बेटा जी आज जो हमारा लेक्चर है ये है जी न्यूक्लियर फिजिक्स चैप्टर नंबर ट्वेंटी वन लास्ट हमारा इसका ये चैप्टर है हमारी बुक का आप में से कुछ लोगों ने हो सकता है अभी ये चैप्टर ना पढ़ो तो कोशिश मेरी यही होगी कि चैप्टर और चैप्टर के साथ साथ बाकी जो जितने उनको मैं टेकअप करता चला जाऊँ एंट्री टेस्ट वाली चीज़ें भी आपको मैं शो ऑफ करा दूँगा और चैप्टर से मुतल जो चीज़ें वो भी आप देख लो तो. इस लेक्चर में उम्मीद है चैप्टर भी हम खत्म कर लेंगे और प्लस एनडीडस्ट की तैयारी भी कर लेंगे मोटी मोटी बातें यहाँ नोट्स में लिखी हुई हैं सामने मैंने इनको हाईलाइट किया हुआ फाइल में आपके साथ शेयर कर चुका हूँ ये वाली ठीक है मतलब हमने पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना होता तो उसकी वो बातें पढ़नी होती हैं जिनका ताल्लुक हमारे एम से हो सकता है कुछ एम हमारे बुक बेस होते हैं वो यहाँ पर मिल जाएंगे बाकी जो एनडीड बेस हैं वो अलग एक डॉक्यूमेंट है वो भी शेयर हो चुकी है पहले से ही फाइल्स में पढ़ी हुई है जी पहली चीज जो आपने इसमें पढ़नी है जॉन डाल्टन ने सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी दी थी 1808 में ये पहली ये सिर्फ सेंस के पहली, के अंदर अंदर इंट्रोडक्शन के 1891 में जे जे थॉमसन ने अपना गैस डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट किया था और जिसकी बुनियाद पर भी उसने अपना एक पलम्पड़िंग मॉडल दिया था जे जे थॉमसन का मॉडल बड़े लंबे अरसे तक चलता रहा उसने कहा था जैसा वो खीर नहीं होती खीर खीर के अंदर बादाम लगे होते हैं उसने कहा था ये खीर जो होती है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है और अंदर मौजूद बादाम पॉजिटिव चार्ज होता है इस तरह का उसने एक मॉडल दिया था उसको चेक करने के लिए नाएंटीन, नाएंटीन में रदरफोड आया रदरफोड में में रदरफोड ने अपना एक, एक मॉडल दिया था अगरचे वो मॉडल रिजेक्ट हो गया लेकिन उस मॉडल में रदरफोड ने अल्फा पार्टिकल की की थी गोल्ड फॉयल के ऊपर वहाँ से लोगों को क्लू मिला कि हम क्यों ना बमेंट शुरू कर दें और रदरफोड को भी मिल गया इस तरह से फिर आ, क्या नाम है 19 में सबसे पहले प्रोटॉन की डिस्कवरी होती है आपके पास अल्फ़ा पार्टिकल के साथ को जब नाइट्रोजन के ऊपर गंट तो की रदरफोर ने और इसी तरह फिर कई सालों के बाद 1932 में जाके जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था वो रिएक्शन भी आगे जिक्र आएगा उसको और इसी तरह आ, ये 1913 लिखा नाइनटीन 1911 है जिसमें रदरफोर्ड का मॉडल आया था ज़रा चेक कर लेना एलेवन है थर्टीन में न्यूक्लियर का ये बोहर नील बोहर का अटोमिक मॉडल आया था अच्छा अब नाइनटीन टी में सजेस्ट किया था न्यूट्रॉन को कि यहाँ न्यूट्रॉन भी होना चाहिए एक तो इसके सजेशन के कोई बारह साल के बाद जेम्स इसको नाइट्रोजन के ऊपर न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया बहरहाल अटोमिक न्यूक्लियस किसे कहते हैं

अब आपका जो एटॉमिक न्यूक्लियस है उसका साइज आपके एटम के साइज के मुकाबले में टेन पावर फाइव टाइम्स एटम का साइज लार्जर होता है न्यूक्लियस के साइज के मुकाबले में ठीक है न्यूक्लियॉन्स तमाम पार्टिकल्स को कहते हैं यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स कहलाते हैं प्रोटॉन इनमें कौन से होते हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं इनका चार्ज हमें पता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर और इनका मैस वन पॉइंट सिक्स सेवन थ्री टेन पर माइनस ट्वेंटी सेवन किलोग्राम होता है ये वाला पॉइंट आ गया दिस वन न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल है कोई चार्ज नहीं होता लेकिन मैस हल्का सा ज्यादा होता है प्रोटॉन से इनका जब हम सिंबॉलिकली बात करते हैं तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सिंबल एक ही ले रहे होते हैं ठीक है 1.675 इनका 10 किलोग्राम मैस होता है अब न्यूट्रॉन का मैस तकरीबन प्रोटॉन के बराबर बात हो चुकी है अब ये मैस आप देख सकते हो इतने स्मॉल मैसेज हैं कि इनको हम आम किलोग्राम पर रिप्रेजेंट करने के बजाय एक नया स्केल बनाते हैं जिसे हम यूनिफाइड मैस स्केल यूनिट बोलते हैं यू से शो करते हैं इस यू को हम कार्बन के ऊपर बेस करते हैं कार्बन टोल्व में इस तरह के बारह यूनिट होते हैं और एक यू का मतलब या एक यूनिट का मतलब हमारा वन ओवर द मैस ऑफ कार्बन एटम और पर आइटम किलोग्राम के इक्वल होता है अब इस स्केल के ऊपर अगर देखा जाए प्रोटॉन का मैस निकलता है यू न्यूट्रॉन का और इलेक्ट्रॉन का पॉइंट ट्रिपल जीरो फाइव यू अब ये वैल्यूज आपको जबानी याद करनी है ठीक है चार्ज एटम पे नहीं होता ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है इसमें जितने प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस में उतने इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं एटॉमिक नंबर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को बोलते हैं ठीक है इसको जी से शो करते हैं अगर ये जी से शो करते हैं इसका मतलब है चार्ज ऑन न्यूक्लियस जेड ई होगा ठीक है ई इसमें चार्ज ऑन वन प्रोटॉन है जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इक्वल होता है नंबर आपके पास नंबर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का उसको ए, प्लस एन से शो करते हैं हम ठीक है कैपिटल ए से शो करते हैं अगर न्यूट्रॉन की आपने तादाद निकालनी हो तो ए में से जी माइनस कर देंगे तो एन आ जाएगा ये जो एन है ना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये असल में ए जी के इक्वल होंगे ठीक आगे वैसे लिखा हुआ भी है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के हवाले से नेक्स्ट इसके अंदर आपके पास आ जाता है सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन अगर आपने एलिमेंट की करनी हो तो ये इस तरह हुई भी है तो है, है, कार्बन ठीक है, सारी, सारी, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी आमतौर तो पर किसी भी न्यूक्लियस की डिपेंड करती है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के ऊपर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ये ऑब्जेक्टिव के हवाले से लाइन है असल में जब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो ज्यादातर इसकी डिपेंडेंस आ जाती है हमारे पासनिंग एनर्जी पर न्यूक्ऑन के हवाले से आती है बाइंडिंग एनर्जी पर निकली तो जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्ऑन ज़्यादा है जिस न्यूक्लियस की वो स्टेबल होता है जिसकी कम होती है वो अनस्टेबल होता है तो बाइंडिंग एनर्जी पर निक्लीआन आमतौर तौर पर ज़्यादा उनकी होती है जिनमें न्यूट्रॉन नंबर ही कम होता है इस हो तो इस हवाले से स्टेबिलिटी आप कह सकते हैं न्यूट्रॉन नंबर का ज़्यादा हो जाए ना तो स्टेबिलिटी भी कम हो जाती है साइज जो बड़ा हो जाता है आइसोटोप आपके पास वो एटम होते हैं जिनका मास नंबर तो डिफरेंट होता है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होता है केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी सेम होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं अब यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल में हाइड्रोजन की है इसके तीन आइसोटोप ये नजर आ रहे हैं आ, प्रोटियम है ड्यूट्रियम है और ट्रिटियम है अच्छा यहाँ पे ड्यूटियम के हवाले से नोट कर लें इसके न्यूक्लियस को हम ड्यूट्रॉन कहते हैं ये ड्यूट्रॉन का वर्ड आगे कहीं जिक्र आएगा वो न्यूक्लियस क्या ड्यूट्रियम पूरा एटम है ड्यूट्रॉन उसका न्यूक्लियस है ये ड्यूट्रॉन के वाले से बात है तो बाकी जो प्रोटियम है उसका एटम को हम प्रोटॉन बोलते हैं ठीक है प्रोटियम के न्यूक्लियस को प्रोटॉन कहते हैं प्रोटियम के न्यूक्लियस को प्रोटॉन कहते हैं ड्यूटियम के न्यूक्लियस को ड्यूट्रॉन कहते हैं ट्यूटियम में आपको पता है इसके न्यूक्लियस के अंदर क्योंकि टोटल तीन पार्टिकल होते हैं दो न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन तो इसका को टीट्रॉन टीट्रॉन टाइप कोई नाम नहीं है फिलहाल जो था वो मैंने बता दिया हीलियम के दो आइसोटोप होते हैं हीलियम थ्री हीलियम फोर ये लिखे हुए हैं क्लोरीन के भी दो हैं थर्टी फाइव थर्टी सेवन आपको पता होना चाहिए फिर उसके बाद कुछ डेफिनेशन है आइसोटोन है आइसो बार है मैचिकोन जिनका आ, जिनका न्यूट्रॉन नंबर सेम होता है अभी हमें कैसे पता लगे यहाँ पर ये लिखा हुआ है हाइड्रोजन तीन लिखा हुआ है ऊपर तीन है नीचे एक लिखा हुआ है तो तीन में से एक जाएगा दो आएगा इधर चार में से दो निकालेंगे तो दो आएगा तो ये दोनों आपस में आइसोटोन है अभी इसी तरह ये दोनों भी आपस में आठ आठ जवाब आ रहा है न्यूट्रॉन का दोनों के लिए तो ये भी दोनों आपस में कार्बन और कार्बन 14 और ऑक्सीजन 16 आपस में आइसोटोन है आइसो जिनका मैस नंबर तो सेम होगा ये ऊपर देख लो आप कार्बन 14 ये भी है और ये नाइट्रोजन 14 है ये दोनों आइसो बार है इनका मैस नंबर सेम होता है अटोमिक नंबर डिफरेंट होता है इसी आगे आर्गोन और कैल्शियम के हवाले से एग्जाम्पल की वन है ठीक मैजिक नंबर वो नंबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की तादाद होती है असल में जो किसी भी न्यूक्लियस में अगर मौजूद है ना तो अनयूजली हैरत अंगेज सॉफे तो स्टेबल न्यूक्लियस होता है चाहे वो बड़े साइज का क्यों ना हो आमतौर तो पर हम रेडियो एक्टिविटी आगे जाके देखेंगे उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं रेडियो एक्टिविटी की कि जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ग्रेटर हो अनस्टेबल होते हैं लेकिन ये जो मैजिक नंबर है ना जिनमें होगा वो 82 का नंबर हो 126 के नंबर तक ये स्टेबल न्यूक्लियाई ही खिलाते हैं बहुत ज़्यादा मैथ स्पेक्ट्रोग्राफ वो डिवाइस है जिसके ज़रिए आप डिफरेंट आइसोटोप और उनकी मैसेज निकालते हैं इसका प्रिंसिपल ये है बेसिकली वर्किंग प्रिंसिपल कि जब आप पॉजिटिव आइंस किसी भी सब्सटेंस के इसमें एंटर करते हो तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं वो उन एटम्स के मैस के प्रोपोर्शनल एक्ट करता है यानी कि डिफरेंट मैसेज का ऊपर डिफरेंट मैगनेटिक फोर्स लगती है जिसके नतीजे में उनका डिफरेंट पाथ बनता है तो जितने ज़्यादा पात बनेंगे मैगनेटिक फील्ड के अंदर डिटेक्टर के ऊपर आइंस के उतने आपके आइसोटोप होंगे ठीक है कंस्ट्रक्शन वाला की इतनी खास जरूरत नहीं आपको एंट्री ड्रेस के हवाले से लेकिन अगर थोड़ी सी आपने इसकी कैलकुलेशन देखनी है तो इसकी कैलकुलेशन वही ई वाई एम से मिलती जुलती कैलकुलेशन है जो ई वाई एम के टॉपिक में हमने की हुई है ना कैलकुलेशन चार्ज टू मैथ रेशो वाले में मैग्नेटिक फोर्स सेंटीपीटर फोर्स प्रोवाइड करती दो है दो इक्वेशन लिखी है यहाँ से मैथ्स की इक्वेशन आपने बना ली इक्वेशन नंबर टू वर्क डन से आप कार्नाटिक एनर्जी निकालते हो यहाँ से वेलोसिटी की क्वेश्चन आ है ये वाली और इसको हमने क्वेश्चन नंबर टू में पुट अप करके ये मैस की क्वेश्चन आ रही और ये बता रहा है कि मैस प्रोपोर्शनल टू रेडियस केयर होती है इसका मतलब है कि मैस डिफरेंट होगा तो रेडियस या सर्कुलर पाथ डिफरेंट आ जाएगा तो जितने सर्कुलर पाथ आएंगे वो शो करेगा इसके अंदर हमारी आइसोटोप को शो करेंगे प्लस एक आ, हमें इससे पता लगता है रिलेटिव अबंडेंस अबंडेंस कहते हैं कि कौन सा आइसोटोप्स ज़्यादा में मौजूद है हमारी बुक में नियॉन की एग्जांपल गिवन है और नियॉन का जो ग्राफ हमारे पास गिवन है ना वो इस किस्म का है कि उसकी एक बहुत ज्यादा वो है हाइट नियॉन ट्वेंटी की ट्वेंटी वन की कम है और ट्वेंटी टू की ज्यादा है यहाँ ट्वेंटी लिखा हुआ है इधर ट्वेंटी लिखा हुआ है और इधर ट्वेंटी लिखा हुआ है इसका मतलब नियॉन ट्वेंटी सबसे ज्यादा तादाद में पाया जाता है नंबर टू पर ट्वेंटी

डेफिनेशन टाइप टाइपी क्यू आते हैं लेकिन इसके ऊपर कुछ चीज़ें हैं जो कि स्टेबिलिटी के हवाले से आती हैं जो आपको पता होनी चाहिए मैस डिफेक्ट जब भी एक न्यूक्लियस बन आप बनाते हो न्यूक्लियस बनाते हो तो न्यूक्लियस को बनाने वाले पार्टिकल के न्यूक्लियस प्रोटोन और न्यूट्रॉन होते हैं अब ये बात ऑब्जर्व की गई है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो टोटल मास होता है वो जब न्यूक्लियस की शक्ल में इकट्ठे होते हैं तो वो मास न्यूक्लियस का कम हो जाता है जैसा हीलियम है दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन मिलेंगे तो हीलियम फोर बनता है अब हीलियम का अपना मास अलग-अलग प्रोटॉन अलग और न्यूट्रॉन के मैसेज के सम से कम होता है तो ये जो मैस का फर्क है ना इसे मैस डेफिसिट मैस डेफिसिट या मैस डिफेक्ट कहते हैं और ये बात बिलीव की जाती है कि ये मैस का जो फर्क है ये आइंस्टाइन की मुताबिक एनर्जी में शिफ्ट हो जाता है एक चीज़ दूसरी बात अगर आप इसी मैस डिफेक्ट को डिवाइड करते हैं एटॉमिक मैस नंबर के साथ मास नंबर के साथ ठीक है यानी कि टोटल न्यूक्लियॉन्स के साथ तो ये बन जाता है आपके पास मास जो डेफिसिट है ये पैकिंग फ्रैक्शन बन जाता है ठीक है अब पैकिंग फ्रैक्शन में फार्मूला थोड़ा सा हम चेंज करते हैं जरा मैं हाईलाइट करता हूँ आप गौर से देखें ये मास डिफेक्ट का फार्मूला है ये वाला जिसको मैंने हाईलाइट किया इसके अंदर गौर से अगर आप देखो तो आपने z टोटल प्रोटॉन का मैस प्लस टोटल न्यूट्रॉन का मैस उसमें से न्यूक्लियस का मैस माइनस किया है जबकि नीचे ने। मतलब नेगेटिव में यहाँ से एम सी क्यू निकलता है ये जो नेगेटिव होता है ना ये बताता है कि ये वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी आपका न्यूक्लियस उतना ज्यादा स्टेबल होता चला जाएगा ये वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी आपका न्यूक्लियस उतना ज़्यादा स्टेबल होता चला जाएगा और बहुत ज्यादा ये नेगेटिव वैल्यू होती है आपके इस आयरन के लिए तो आयरन इज़ द मोस्ट स्टेबल ऑफ द टेबल तो मिडल में ये जितने आयरन के दाए बाएं आते हैं ना आपके एलिमेंट्स ज़्यादा स्टेबल एलिमेंट्स होते हैं ठीक है ये बात याद रखिएगा बाइंडिंग एनर्जी आपके पास वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो रिलीज होती है जब न्यूक्लियंस कंबाइन हो के बनाते हैं यानी ये एनर्जी जब वापस न्यूक्लियस को दी जाए तो न्यूक्लियस ब्रेक कर जाएगा अपने कॉन्स्टिच्यूंट पार्टिकल्स के अंदर और ये वो एनर्जी है जो मैस डिफेक्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग होती है ठीक है या कि इसका रिलेशन लिखा हुआ यह खैर से <coughs> वही है इज टू डेल्टा एम सीज़ के और डेल्टा एम की जगह मैस डिफेक्ट का फॉर्मुला आप अप्लाई कर दें इसी तरह बाइंडिंग एनर्जी को जब हम डिवाइड करते हैं टोटल मैथ नंबर से तो ये बनता है बाइंडिंग एनर्जी पर निकोली और ये उसका फार्मूला है इसके ऊपर ग्राफ आपको नीचे नजर आ रहा होगा ये ग्राफ की जो शेप है वो मैथ से डिफरेंट होती है मैथ जो ऊपर आपने डिफेक्ट का जो ग्राफ की बात कर रहे थे तो वो कुछ इस किस्म का आता है और यहाँ कहीं आयरन होता है उसमें ठीक है और यहाँ इसकी जो वैल्यू होती है ये नेगेटिव में वैल्यू होती है वाई एक्स की इधर जो बाइंडिंग एनर्जी पर निकली होने इसकी वैल्यूज पॉजिटिव होती है लेकिन इसकी वैल्यू आप देखेंगे ये हाइड्रोजन के लिए वैल्यू बहुत कम है ऐसा ऐसा ये वैल्यू बढ़ती हैं और करते करते सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू यहाँ आ जाती है आयरन के लिए उसके बाद ये वैल्यू फिर नीचे की तरफ आना शुरू कर देती है डिक्रीज करना शुरू कर देती है तो रिलेशन में जवाब वही आता है आयरन के लिए इसकी वैल्यू जो होती है वो एट एट होती है ठीक है

तो ये आपका एमसीक्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है इसे हमें रखिएगा उसके बाद अब आप आगे चलते हैं रेडियो एक्टिविटी आ गई रेडियो एक्टिविटी आपको पता वो है वो प्रोसेस है जिससे जिसमें एटी टू से ज़्यादा एटॉमिक नंबर हो तो वो रेस ख़ारिज करते हैं अल्फा बीटा गेमा टाइप ठीक है उसे रेडियो एक्टिविटी कहते है। हैं हैंनरी बैकुलर ने इसको एटीन नाइनटी सिक्स में डिस्कवर किया था रेडियो एक्टिविटी को और उसके बाद मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी इन दोनों ने आगे डिस्कवर किया था प्लोनियम और रेडियम को डिस्कवर किया था बेकुलर के बाद याद रखिएगा ये सारी बातें एमसीक्यू हैं इसके जो रेडियो एक्टिविटी एक्टिविटी फोटोग्राफ फिल्म के इफेक्ट करती है ठीक है इसमें अल्फा बीटा गामा तीन किस्म के पार्टिकल हैं अल्फा अल्फा हीलियम के पॉजिटिव न्यूक्लियई होते हैं प्लस 2 चार्ज के साथ अल्फा पार्टिकल होते हैं ठीक है और आ, चार्ज होता है तो जब इनको रिफ्लेक्ट करते हैं और बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होते हैं ठीक है दो किस्म के होते हैं बीटा नेगेटिव बीटा पॉजिटिव लेकिन हम जब भी बीटा की बात करेंगे ये नेगेटिव की बात हो रही है ठीक है पॉजिटिव का अगर एम आएगा तो बोलेगा बताएगा ये पॉजिटिव बीटा पार्टिकल की बात हो रही है उसके लिए हाथ से जवाब दीजिए आप वरना आपने इसको जब भी खाली बीटा की बात की है ना बताए ना कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो वो नेगेटिव बीटा पार्टिकल होगा ये बात जहन में बिठा लीजिए और बीटा पार्टिकल की बात हो गई उसके बाद जो गैमा पार्टिकल है इसमें ना कोई चार्ज होता है ना कोई मैस होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ये है ठीक है अच्छा ये लिखा हुआ है इसका चार्ज अल्फा का प्लस टू मैं मैंशन कर दूँगा ताकि आपको याद है इसका मैस हम फोर यू से रिप्रेजेंट करते हैं और ये मैस हम पहले बता चुके हैं इलेक्ट्रॉन का अटोमिक स्केल यूनिट के ऊपर ठीक है अच्छा जी उसके बाद न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन जब भी कोई एलिमेंट अल्फा या बीटा पार्टिकल रिलीज़ करता है तो उसकी नेचर तब्दील हो जाती है अल्फ़ा या बीटा पर उसकी एलिमेंट की नेचर तब्दील हो जाती है एक नया एलिमेंट बन जाता है ठीक है अब ये जो नया एलिमेंट बनता हो सकता है वो भी रेडियो एक्टिव हो तो वो भी आगे फिर अल्फा बीटा रिलीज़ करता रहेगा तो ये जो प्रोसेस है ना ये पूरा प्रोसेस ट्रांसम्यूटेशन कहलाता है इसमें जो नए एलिमेंट बनते है, वो हैं वो कहलाते हैं डॉटर एलिमेंट और जो पुराने होते हैं ओरिजिनल वन वो कहलाते हैं पेरेंट न्यूक्लियाई प्रोसेस ये जो है कि मतलब पेरेंट्स से डॉटर न्यूक्लियस में जाने का प्रोसेस ये डिके प्रोसेस कराता है डिके प्रोसेस और ये डिके प्रोसेस ट्रांसम्यूटेशन बन जाता है अगर इसके डिके के नतीजे में जो डॉटर न्यूक्लियस पैदा हो रहा है वो फर्दर आगे क्या नाम है न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन करे मतलब आगे फिर किसी और एलिमेंट में शिफ्ट हो जाए और ये प्रोसेस उस वक्त चलता रहेगा जब तक के आपका स्टेबल न्यूक्लियस नहीं आ जाएगा ये अल्फा बीटा इसकी जो रिलीज होती है ना स्टेबिलिटी गेन करने की एक कोशिश होती है आपके न्यूक्लिया की बहरहाल अब अल्फा पार्टिकल जब निकलता है तो उसको बोलते हैं अल्फ़ा टिके बीटा पार्टिकल निकलेगा उसको बीटा टिके और गैमा निकलेगा गैमा टिके इसके ऊपर आपके आते हैं सवाल आते हैं एम आते हैं ठीक है और बड़े मजेदार किस्म के आसान सवाल हैं कोई मुश्किल नहीं होते हैं जिसरा ये आपके वो इक्वेशन लिखी हुई है जब अल्फा डीके होगा तो क्या होगा ऊपर से चार की कमी होगी नीचे से दो की कमी होगी अब ये मैं यहाँ राइट पे लिखता हूँ जरा अल्फा डीके के सामने एक्स है ये ए, ए है और ये उसका जी है आपने एल्फा पार्टिका निकाला एक अल्फा पार्टिका का मतलब नीचे दो ऊपर चार की कमी होगी तो ये वाई बन गया ए माइनस फोर जी माइनस टू लेकिन ये एक तो नहीं हो सकता वो हो सकता है कि हम हमें पूरी सीरीज दे दें ठीक है ना और सीरीज में वो कहता है जी तीन भी अल्फा पार्टिकल निकले हैं तो हम तीन दफा चार माइनस करें या एक ही दफा चार या बारह ऊपर से बारह निकाल दें और नीचे से थ्री टू सिक्स एक साथ ही सिक्स निकाल दें हमारी इक्वेशन पूरी हो जाएगी इस तरह के सवाल आ सकते हैं सवाल इस तरह भी आ सकता है कि आपको इस इक्वेशन में दरमियान में ये दिखाया ना जाए कि अल्फ़ा पार्टिकल है हाँ ये दिखा दिया जाए कि ऊपर से मैथ नंबर में कितनी कमी हो रही है वो आप खुद माइनस करके निकाल लोगे जिसका ये मिसाल है अब इस मिसाल में नीचे वाली इसमें ये लिखा हुआ ही नहीं है कि मैंने ब्लैक कर दिया मुझे नहीं पता यहाँ क्या लिखा है मुझे तो मैं क्या करूंगा देखूंगा नीचे एटी था एटी से एटी सिक्स दो की कमी आ गई नीचे माइनस हो गया ऊपर माइनस चार हो गया तो यहाँ से मैं पहचान जाऊंगा कि ये अल्फा पार्टिकल है और मैं कहूंगा कि ये अल्फा डी है बस इतनी सी बात है इसी तरह जब बीटा डी होगा तो आपका जी नंबर में एक इजाफा हो जाता है ये लिखी है। बीटा पार्टिकल के डिके का मतलब क्या बीटा डिके तब होता है जब एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है ये नोट में लिखी हुई है बात नेगेटिव बीटा पार्टिकल का मतलब ये होता है कि जब एक न्यूट्रॉन पार्ट जो होता है वो प्रोटॉन में शिफ्ट होता है ये उसकी इक्वेशन लिखी है अच्छा ये इक्वेशन इतनी सादा नहीं है जितनी यहाँ लिखी हुई है यहाँ पर अगर आप इसको मुकम्मल तौर पर देखना चाहें तो यहाँ पर आपको एक एंटी न्यूट्रीनो भी शो करना पड़ता है यहाँ पर इसी पार्टिकल के अंदर ठीक है जी तो ये आप याद रखिएगा न्यूट्रिनो पार्टिकल होता है वो आप यहाँ शो करते हैं न्यूट्रिनो बीटा पार्टिकल आपके पास रिलीज होता है इसके साथ तो वो आपको करना पड़ेगा अगर कभी पूछेगा फिलहाल तो टेक्स्ट बुक की हद तक रहें, तो यही यहाँ पर चलेगी ठीक है इसके बाद आपके पास आ जाएगी इसके अंदर गैमा पार्टिकल का, का ही होता है कि जब कोई पार्टिकल अल्फा या बीटा पार्टिकल रिलीज करता है ना तो वो एटम चला जाता है एक्साइटेड लेवल के ऊपर और वहाँ से एक्साइटेड लेवल से जब वो वापस आता है ना अपने ग्राउंड लेवल पे तो ये कैमर रेडिएशन ख़ारिज करता है तो इस, इसका मतलब है मैथ नंबर और चार्ज नंबर किसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यही वजह इक्वेशन को जब हम रिप्रजेंट करते हैं आप ये देख सकते हैं स्टार के साइन से जाहिर लेफ्ट साइड पर स्टार है एक्स के ऊपर और राइट साइड पर कुछ भी नहीं है गए के साथ मतलब आप एक्साइटेड स्टेट से वापस आए हैं ये आगे नीचे लाइन ये लिखी हुई है बात वजाहत भी की गई है इसकी के स्टार का मतलब क्या है तो याद रखिएगा कि जब भी आपके पास अल्फा और बीटा पार्टिकल इमिशन होती है तो आपका पार्टिकल आपका जो न्यूक्लियस है वो एक्साइटेड लेवल पे चला जाता है अब यहाँ पर देखें सवाल में यूं हो सकता है कि एक इक्वेशन है उसके बाद दूसरा वाई बन रहा है फिर जी बन रहा है इस तरह ये बनते जा रहे हैं इनके ऊपर ए और जी इनके शो किए गए ऊपर नंबर ऊपर नीचे यहाँ पे नंबर दोनों तरफ इधर भी और इधर भी दोनों तरफ नंबर शो किए गए और आपसे सिवा ये पूछा जाए बताओ इसमें कौन कौन से पार्टिकल रिलीज हो रहे हैं अब ये जी के बाद आगे भी ले जाएं जाए तक ले जाए ठीक है आपने ये जो ऊपर मैस नंबर और नीचे चार्ज नंबर इनकी तब्दीली के लिहाज से जब कभी ऊपर नीचे चार और दो की कमी हो रही है तो अल्फा पार्टिकल निकलेगा ऊपर कोई तब्दीली नहीं हो रही नीचे, लेकिन नीचे एक जी का इजाफा हो रहा है या जी की कमी हो रही है तो इजाफे का मतलब नेगेटिव बीटा पार्टिकल आ रहा है और कमी का मतलब पॉजिटिव बीटा पार्टिकल आ रहा है ठीक है जी क्योंकि पॉजिटिव बीटा पार्टिकल का मतलब होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन में शिफ्ट होता है तब पॉजिटिव बीटा पार्टिकल आता है और जब ऊपर नीचे जी नंबर में और ए नंबर यानी नंबर में कोई तब्दीली नहीं आ रही है। सेम टू का सेम है इसका मतलब है निकलेगी ये हो गया फिर एक बड़ा मशहूर सवाल आता है हमारे पास कि भाई एक्स है ये वाई में चला गया हमारे पास यहाँ पर अगर लिखा हुआ है ए फॉर एग्जाम्पल ये जी लिखा हुआ है इधर अब आपके पास मैं कहता हूँ सी लिखा हुआ है इधर डी लिखा हुआ है पूछा जाता है कितने अल्फा पार्टी का निकले हैं कितने बीटा पार्टी का निकले हैं तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल का फॉर्मूला नोट कर लो नंबर ऑफ अल्फा इसका फॉमूला ये होता है कि वो जो आपका ए है ना ए में से सी को माइनस करो और चार पे डिवाइड कर दो तादाद तो आ जाएगी अल्फा की जैसी अल्फा की तादाद आएगी अब आपने करना यह अल्फा की तादाद फॉर एग्जांपल स्मॉल एन से आप शो कर दें ठीक है अब आपका जो नंबर ऑफ अब आपने निकालना बीटा पार्टिकल पार्टिकल्स। इनकी तीन प्राइम से आप समझ लेंगे इनकी जो तादाद निकालनी है ना वो इससे बड़ा आसान काम है उसका आपने करना यह है आपको पता है कि अब आपको अल्फा पार्टिकल की तादाद अल्फा पार्टिकल का मतलब है ऊपर से जितनी कमी हो रही है नीचे उसी हिसाब से दो की कमी दो के हिसाब से कमी होनी चाहिए उतनी नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग यानी अगर आपको अल्फा पार्टिकल एन आ गए हैं तो नीचे जी के अंदर टू एन की कमी होगी यानी कि एन को टू से मोटीफाई करो तो मतलब क्या है अल्फा पार्टिकल का अल्फापेटिकार निकले तो चार को दो से मल्टीप्लाई करो नीचे आठ की कमी होनी चाहिए में तो इसका मतलब है है जो आपका एन प्राइम है, वो आएगा जी टू एन। ये आ गया अब जी माइनस टू एन जब आपके पास आ जाएगा हो सकता है ये आंसर और डी के आंसर में फर्क हो तो डी अगर आपका ज्यादा है तो इसका पूरा जवाब बन जाएगा डी माइनस अब फॉर्मुला नोट कर लो

ये किसी एलिमेंट वाई में चला गया और यहाँ हैं इधर मैं कर देता हूँ टू टेन और नीचे मैं करता हूँ एटी सिक्स चलें ठीक है अब हमने सबसे पहले एन निकालते हैं अल्फा की तादाद टू ट्वेंटी सिक्स में से टू टेन निकाल के चार पे डिवाइड करना तो 226 में से 210 तो किया, 16 गया बनता है ये 16 को चार पे डिवाइड किया चार एल्फा पार्टिकल आ गए ठीक है अब मैंने निकालना है बीटा पार्टिकल इसका मतलब है ऊपर से चार एल्फा पार्टिकल गए ना तो नीचे जो एटॉमिक नंबर है 88, इसमें फोर टू जार एट इसमें कमी होनी चाहिए आठ की ठीक है अब मुझे बीटा पार्टिकल निकालने आठ की कमी होनी चाहिए थी आठ की कमी के बाद एटी एट में से आठ निकालूंगा अस्सी आंसर आना चाहिए एटी लेकिन आंसर क्या आया हुआ एटी सिक्स इसका मतलब है अब मैं क्या करूंगा वो जो दी दी 86 है. 86 में से माइनस कर दूंगा एटी एट माइनस टू इंटू फोर लेटी सिक्स माइनस ये एटी एट माइनस एट एट्टी सिक्स माइनस एटी छः इसमें बीटा पार्टिकल है इस तरह से आप अल्फा बीटा की तताह निकाल सकते हैं गेवा हम ही निकाल सकते गेवा में पता कोई तब्दीली नहीं आती लेकिन जी ये आपके इस तरह के बड़े एम की प्रैक्टिस कराई जाएगी आपके पोर्टल पर जो टेस्ट मौजूद है उसमें मैं अभी ये लेक्चर के साथ कोशिश करता हूँ जैसा हम मैंने इससे पहले भी किया है कि आपको कुछ सवाल दिखा देता हूँ इससे मिलते जुलते फिलहाल हम ये मुकम्मल करते हैं हाफ लाइफ के बड़े सवाल आते हैं हाफ़ लाइफ वो टाइम है जिसमें आधे आइटम टिके कर जाए हाफ लाइफ वो टाइम है जिसमें आधे आइटम टिके कर एक बात अच्छा दूसरी बात यह है कि आधे आइटम जो डिके करते हैं वो मौजूदा तादाद के आधा आधे यानी कि मेरे पा एक हज़ार आइटम है पहली हाफ लाइफ जो गुजरेगी ना जितने भी दी गई है पहली हाफ लाइफ यानी कि अगर एक हाफ लाइफ है जी चार दिन के बराबर तो चार दिन के बाद पाँच सौ डिके कर जाएगा पाँच सौ बाकी बचेगा हज़ार में से अगले चार दिन के बाद अगली एक और हाफ लाइफ निकल गई ठीक है एक और चार दिन आठ दिन टोटल निकल गए तो अब 500 का का आधा आधा जाएगा जाएगा 250 250 बाकी बचेगा तीसरी हाफ लाइफ में का जब आधा है वो एंड सो ऑन यानी जो भी मौजूदा तादाद है उसका हाफ डिके करता है रेट ऑफ डिके का फॉर्मूला होता है डेल्टा एन ओवर एन और रेट ऑफ डिके याद रखना नंबर ऑफ एटम के प्रोपोर्शनल होता है ये इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है और ये लॉ ऑफ रेडियो uh, एक्टिविटी भी एक्टिविटी यूनिट ऑफ इसको एक्टिविटी भी कहते हैं रेट ऑफ डीके को अब इसका यूनिट होता है, bacular. Bacular है, बड़ा है एक बड़ा यूनिट डिस एक सेकेंड में वन वैकुलर कहलाता है और एक इससे भी बड़ा यूनिट होता है लार्ज लार्ज यूनिट क्यूरी क्यूरी होता है क्यूरी क्या है वन क्यूरी है थ्री पॉइंट सेवन इंटू टेन पावर टेन डिस इंटीग्रेशन पर सेकेंड ये इसका यूनिट है याद करने वाली बात है और लैमडा कांस्टेंट को कहते हैं ये आपका फ्रैक्शनल फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम पर यूनिट टाइम इसको हम बोलते हैं यानी कि इसको मैं लेमडा को अगर तो इज इक्वल टू मेरे पास आता है लेमडा इज इक्वल टू नीचे डेल्टा टी आता है ऊपर आता है लेमडा डेल्टा एन ओवर एन आता है ठीक है जी इसे फ्रैक्शन कहते हैं ऑफ एटम डिकेइंग यूनिट पर, तो पर सेकेंड होता है इसका यूनिट पर डे हो सकता है इसका यूनिट पर ईयर हो सकता है इसका यूनिट पर वीक हो सकता है इसका यूनिट पर मिनट हो सकता है एसआई SI यूनिट पर सेकंड है यानी टाइम का कोई भी यूनिट हो उसकी पावर माइनस वन हो तो डिके कांस्टेंट का यूनिट हो सकता है एम के वाले से बात कर रहा हूँ हाफ लाइफ निकालनी हो टीका कार की जी आपके सामने ये लिखा हुआ है दिस वन ये आइटम है लेफ्ट अनडिकेड आइटम का फॉर्मूला अनडिकेड आइटम का फॉर्मूला वन ओवर टू पावर एन के साथ एन नोड ठीक है जी इज इक्वल टू एन आ गया एन का मतलब यहाँ पे एटम है जो भी नहीं हुए अगर आपने निकालने हैं हैं एटम निकालने एटम्स इसके लिए वन में से माइनस कर दें वन ओवर टू एन एन नोट कॉमन निकाल रखे इसके अंदर ठीक है जी तो ये आके बाद डिकेड एटम आ जाएंगे जितने एटम थे उसमें से वन ओवर 2 पावर एन आप निकाल लें तो ग्राफ ड्रा करते हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ आता है जो शो करता है कि एक्सपोनेंशियली रेट ऑफ डीके कम होता जाता है जो जो एटम कम होते जाते हैं रेट ऑफ डीके भी कम हो जाता है आपका ठीक है अब इसमें जो आपको एक टेबल है वो अभी मैं जिक्र कर लेता हूं ये आपका फार्मूला है रेडियो एक्टिविटी के इसका हाफ लाइफ का टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 ओवर लैम्डा या लॉग ऑफ 2 ओवर लैम्डा पॉइंट सिक्स नाइन थ्री लॉग ऑफ टू भी खिलाता है बाज बार इस सवाल इस तो आ जाता होता है एक होती है मीन लाइफ मीन लाइफ ये नोट कर लेना ये वो टाइम है जिसमें टू थर्ड ठीक है टू थर्ड ऑफ एटम्स कर जाते हैं टू थर्ड एटम इस मीन लाइफ का फॉर्मूला होता है वन ओवर लेमडा

पहले एलिमेंट के हाफ लाइफ के टाइम के बराबर टू थर्ड कर जाएगा जबकि हाफ लाइफ वाला वन हाफ यान ओवर टू डिके करेगा तो ये बात याद रखिएगा अगर मीन लाइफ हाफ लाइफ बराबर हो जाए, तो जो मीन लाइफ की साइड का एलिमेंट है उसका रेट ऑफ डिके ज्यादा होता है हाफ लाइफ ऑफ जोरेनियम ये कुछ डेज हैं याद करें टू थर्टी एट की हाफ लाइफ फोर पॉइंट फाइव टेन पावर नाइन ये लिखी है टेंटी ईयर्स रेडियम की रेडॉन की 3.8 डेज और यूरेनियम की 23.5 मिनट आर्टिफिशियल रेडियो हमारी आम रेडियो एक्टिविटी है मतलब हम इंड्यूस कर देते हैं बम्बाउमेंट के जरिए अल्फ़ा पार्टिकल की और अल्फ़ा पार्टिकल की बम्बाउमेंट करवाते हैं या न्यूट्रॉन की तो आपका जो न्यूक्लियस है ना स्टेबल न्यूक्लियस भी आपका रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस बन जाता है इससे आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी क्या है आगे फिर वो इंट्रैक्शन है अल्फाबीटा के हम टेंस प्रॉपर्टीज पढ़ते आ रहे हो इसमें पढ़ने वाली बात सिर्फ यही है एक तो मेन के ये आपका जो मैस है ना अल्फा पार्टिकल का वो इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में टाइम्स लार्जर होता है फिर आपकी जो ये है क्या नाम है अल्लाह आपका भला करे अल्फाबीटा के आमा तीनों रेडियश री, ये लिखा हुआ है सोडियम आयोडाइड प्राटीनो साइनाइड इनकी कोटेड सरफेस जब टकराती है ना तो या सेंटिलेशन चमक पैदा करती है ये तीनों रेस करती हैं ठीक है, है। दूसरी बात एक और जो मैं पहले ही बढ़ाई थी गैमर एडिशन के हवाले से गैमर एडिशन पॉइंट फाइव मिलियन इलेक्ट्रॉन वोट से लो एनर्जी वाली फोटो इलेक्ट्री करती है पॉइंट फाइव मिलियन इलेक्ट्रॉन वोट से ज्यादा जीरो टू के कम एनर्जी वाली कॉमटन इफेक्ट करती है और वन पॉइंट जीरो से ज्यादा एनर्जी वाली गैमर एडिशन आपकी यहाँ पर पेयर प्रोडक्शन करती है बीटा पार्टिकल के हवाले से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो यू आई लाइन है कि बीटा पार्टिकल की जो रेंज है ना वो सौ टाइम ज़्यादा होती है अल्फा के मुकाबले में लेकिन आयोनाइजेशन सौ टाइम कम होती है ठीक है ये बात इसमें है फिर बीटा पार्टिकल का कोई ख़ास पाथ भी नहीं होता ये डिफ्लेक्ट आराम से हो जाते हैं फिर इसमें जो आपके पास आ जाती है चीज़ ये स्किन डेप्थ का फॉर्मूला है ये जी आपकी इंटेंसिटी डिक्रीज करती है गहमा रेडिएशन की I इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस म्यू एक्स मैं जब बड़ा करके लिख देता हूँ फॉर्मूले को ये देखें I इज इक्वल टू आई नॉट ई पावर माइनस म्यू एक्स एक्स तय करता है फासला या डेप्थ है स्किन डेप्थ कहते हैं इसको यही कितना डेप्थ में ये गैमा रिलेशन कही है और म्यू एब्जॉर्बशन कोफिशेंट है एब्जॉर्बशन कोफिशेंट है जहाँ तक न्यूट्रॉन का ताल्लुक है सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग यही पार्टिकल होते हैं ठीक है इनकी पेनिट्रेशन ज़्यादा है क्योंकि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता और ये न्यूट्रॉन हम फीशन रिएक्शन में भी इस्तेमाल करते हैं आगे जाकर जिक्र आएगा फिर आप सब लोगों की टेक्स्ट बुक में ये टेबल बना हुआ है आखिर में इस टॉपिक के समरी ऑफ द नेचर ऑफ रेडिएशन इसको आप याद कर लेंगे तो ये है कि ये बहुत बेहतरीन किस्म के इसके अंदर एम सी क्यू हैं जिस तरह एल्फा पार्टिकल का सोर्स रेड ऑन है टू ट्वेंटी टू स्ट्रॉनशियम नाइन्टी फोर का सोर्स बीटा पार्टिकल है कोबॉल्ट सिक्सटी के हमारा रेडिएशन का आयोनाइजिंग फिर इसके बाद पेयर बनाने की इनकी ईयर में वो पावर लिखी है सबकी रेंज लिखी है फिर ये किस किस चीज़ से एब्जॉर्ब हो जाते हैं एनर्जी का स्पेक्ट्रम इनका किस किस्म का है ठीक है और स्पीड कितनी है स्पीड अल्फा पार्टिकल की तो ऑफ ऑर्डर ऑफ़ पावर सेवन है लेकिन बीटा की वन इन टू टेन पावर एट मीटर पर सेकेंड ये सिक्स लिखा हुआ है इसको एट कीजिएगा यहाँ एट है ठीक है

गाइगर काउंटर है या सॉलिड स्टेट डिटेक्टर है इनमें सॉलिड स्टेट डिटेक्टर फास्ट काउंटिंग में इस्तेमाल होता है ठीक है बाकी जीएम काउंटर और विल्सन क्लाउड तो काउंटिंग में इस्तेमाल ही नहीं होता विल्सन क्लाउड चम्बर तो ट्रैक्स निकालता है सिर्फ हमें ट्रैक्स देता है जिसके जरिए हम एनर्जी वाला निकाल लेते हैं काउंटिंग के लिए कि कितने पार्टिकल एंटर हो गए सिस्टम में या तो गाइगर मूलर काउंटर यूज होता है इसके स्केल लगा होता है स्केल कहते हैं काउंटिंग मशीन को या सॉलिड स्टेट डिटेक्टर यूज होता है सोलिस डिटेक्टर फास्ट काउंटिंग के लिए और जी एम ट्यूब या गैगर मोलर काउंटर स्लो काउंटिंग के लिए यूज होता है ठीक है विल्सन काउंट चैंबर सी टी आर विलसन ने नाइनटीन अलेवन में बनाया था इसमें यह होता है कि पेपर होते हैं उसके अल्कोहल के सुपर सेचूरेटेड फॉर्म के अंदर जब इसमें रेडिएशन एंटर होती है चैम्बर में तो रेडिएशन कंडेंस होकर जो अल्कोहल के पार्टिकल हैं कंडेंस होकर रेडिएशन पे चिपक जाते हैं जिससे पाथ विजिबल हो जाता है इसके अंदर हम वन वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई करके जो रेडिएशन को दोबारा से न्यूट्रलाइज़ करते हैं जो आइंस बने होते हैं और इस चैम्बर को दोबारा एक्टिव कर लेते हैं अगली रेडिएशन के लिए जितने इस तरह के है ना ये विल्सन क्लॉड चैम्बर हो गया या जी एम ट्यूब हो गया इनमें जब एक दफ़ा रेडिएशन एंटर होती है ना तो इसको भी न्यूट्रलाइज़ करना पड़ता है सिस्टम को ताकि अगली रेडिएशन को ये एब्जॉर्व कर सके बाहर और एल्फ़ा का ट्रैक थिक होता है डेंस होता है स्ट्रेट लाइन होती है पहली बात बीटा का जिक जैग पात होता है या कर्व होता है और गेवा का कोई खास पात नहीं होता इन तमाम पात को हम मैग्नेटिक फील्ड में चैम्बर को रख के इन पात के अंदर करवेचर पैदा करके इसके ज़रिए फिर हम यूँ करते हैं कि इसकी जो मैस है एनर्जी है लेंथ और पात के जरिए हम निकाल सकते हैं पार्टिकल की जो गाइगर वोलर ट्यूब है इसका भी वर्किंग प्रिंसपल आयोनाइेशन है ठीक है इसमें ये होता है कि एक सिलेंडर होता है सिलेंडर उमर ट्यूब दरमियान रॉड होती है वो जो ट्यूब होती है कैथोड़ का काम करती है अंदर जनाब आर्गन और ब्रोमीन गैस भर देते हैं आर्गन गैस इसकी असल गैस है जो डिट्रेडिएशन पार्टिकल को आयोनाइेशन से डिटेक्ट करती है अब एक आयोनाइिंग पार्टिकल जब इसमें एंटर होता है इस गैस चैम्बर में तो वो नियोन में आर्गन में आयोनाइेशन करता है आर्गन का इलेक्ट्रॉन निकलता है एनोड की तरफ जाता है जब वो एनोड की तरफ जा रहा होता है तो फौरन एनोड से जाकर जब टकराता है एक पल्स पैदा करता है करंट पल्स हमें पता लग गया एक पार्टिकल आ गया लेकिन ये होता है कि इस दौरान जब इलेक्ट्रॉन एनोड से टकराता है तो आर्गन को जाकर कैथोड से कर इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके न्यूट्रलाइज हो जाना चाहिए लेकिन आर्गन हैवी पार्टिकल है टाइम लगाता है जब तक आर्गन का आइन मौजूद है उस तक नई रेडिएशन डिटेक्ट नहीं हो सकती ठीक है तो यही वजह है हमें ये जो टाइम का बीच में फर्क आता है जिसमें नई रेडिएशन डिटेक्ट नहीं हो सकती इसे हम डेड टाइम कहते हैं उसके लिए हमें आर्गन को कॉन्च करना होता है कॉन्चिंग कॉन्चिंग का मतलब होता है प्यास बुझाना उर्दू में या मतलब हमने उसके आइंस की का स्टेटस ख़त्म करना होता है इलेक्ट्रॉन की इसके अंदर कमी है वो पूरी करनी होती है दो तरीके हैं कॉन्चिंग के एक सेल्फ कॉन्चिंग और एक इलेक्ट्रॉनिक सेल्फ के लिए हम इसमें ब्रोमीन गैस हमने भरी थी ब्रोमीन ये करता है खुद टकरा क्या नाम है आपकी आर्गोन के साथ अपना एटम आर्गोन को दे देता है जिसके नतीजे में खुद आयोनाइज़ होता है और आर्गोन को न्यूट्रलाइज़ कर देता है और आर्गोन प्रिपेयर हो जाता है अगली डिटेक्शन करने के लिए ठीक है लेकिन फिर भी आपका ये जो टाइम है ना ये वन माइक्रो सेकेंड से जरा शॉर्ट होता है कोशिश की जाती है कि इसको टेन पावर माइनस फोर तक ये चल रहा होता है और इसलिए हमने कोशिश करनी होती है डेड टाइम जितना कम से कम हो जाए उतना बेहतर होता है दूसरी हम इसमें करते हैं सेल्फ वॉचिंग व इलेक्ट्रॉनिक वॉन्स

इस वजह से ये जो आ, फास्ट डिटेक्शन में आराम से इस्तेमाल हो सकता है यहाँ तक इसको एक बार देख लें थोड़ा सा कुछ एक दो मिनट के लिए एक्सक्यूज कीजिए मैं इधर आता हूँ फिर अगला चीज़ को कंटिन्यू करता हूँ ठीक है जी अब जहाँ से आगे चलते हैं अब जो हमारी चीज़ शुरू हो रही ना, है ना ये पोर्शन है हमारा न्यूक्लियर रिएक्शंस का लेकिन ये करने से पहले अब हम जरा थोड़ा सा आ जाते हैं टिपिकल जो हमारा फन गेट का जो एक उसका लेक्चर हुआ था एन टी टेस्ट का उसके हवाले से आ, जो हम बोर्ड पे लिख रहे होते हैं चीज़ें इनमें से बहुत सी बातें तो मैं आपको बता चुका हूँ मिसाल के तौर तो पर आ न्यूक्लियर से जिसका मतलब क्या है कौन कौन सी डेट को कौन कौन सी चीज़ डिस्कवर हुई थी और बताइए इक्वेशन ये है जी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की इक्वेशन दिस वन, न्यूट्रॉन नाइट्रोजन के ऊपर की की, थी ने हीलियम ऑक्सीजन 17 वाला था और आपके पास प्रोटॉन डिस्कवर हुआ था ठीक है एक तो ये इक्वेशन है इम्पोर्टेंट, आगे भी इसका जिक्र आना है न्यूक्लियर रिएक्शन जो है उसके अंदर लेकिन ये है कि आपको पता होना चाहिए ठीक है बाकी इसके अंदर है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन अच्छा तो कोई चार्ज नहीं होता। जब के हाँ, हीलियम की की थी ना, तो कार्बन टूट्रॉन बना, बना अब न्यूट्रॉन को पैराफीन में से ये पैराफीन इसमें से गुजारा गया तो उससे हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ हाइड्रोजन पैराफीन से जब हाइड्रोजन निकला तो हाइड्रोजन डिटेक्ट हुआ और पैराफीन से हाइड्रोजन तभी निकलेगा जब न्यूट्रॉन इसके ऊपर टकराएगा ठीक है मोमेंट होगी इसकी तो यहाँ से पैराफिन के जरिए फिर न्यूट्रॉन को चेक किया गया था आइसोटोप हम बात कर चुके हैं उसकी ये तीनों टाइप्स अलबत्न टाइप में से याद रखिएगा ये जो आपके पास यूरेनियम के जो आइसोटोप होते हैं टू थर्टी थ्री होता है टू थर्टी फोर टू थर्टी फाइव एट और नाइन इसमें से 8 अबंडेंस में बहुत ज़्यादा तादाद पाया जाता है बाकी इसकी तादाद कम होती है इसी तरह आईसो टोन आईसो बार मैं पढ़ा चुका हूँ ये मैसेज मैंने कहा था याद करनी है आपने ये भी हो गई बात साइज ऑफ़ द न्यूक्लियस टेन पावर फाइव ग्रेटर होता है बात हो गई डिफेक्ट रेडियो एक्टिविटी और क्यूरी वगैरह का जिक्र हो गया सारा ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये हमारा जो मेन लेक्चर चल रहा होता है क्योंकि कल मुझे कहा गया था डिटेल में आपने लेक्चर देना है तो हमने चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ तो मैं बुक के मुताबिक डिटेल में दे रहा था लेक्चर प्लस ये जो बातें हैं जो ज़्यादातर हम इन में पढ़ा रहे होते हैं ये है वो इंपॉर्टेंट चीज़ें ये फाइल आपके पास होगी तो आपको पता लग जाएगा कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें अब देखें अल्फा बीटा डीके आ गया अल्फा बीटा डीके के हवाले से मैंने आपको बता दिया था कि जो इक्वेशन होती है वो आपको बेसिक इक्वेशन पता होनी चाहिए जब नेगेटिव बीटा डीके होता है उसके साथ ही आकर आप ये होता है असल में न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है और साथ में एक आपके पास एंटी न्यूट्रिनो आता है नेगेटिव बीटा पार्टिकल में और पॉजिटिव बीटा पार्टिकल में न्यूट्रिनो साथ में एक रिलीज होता है तो न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो का आपको पता होना चाहिए कि ये साथ में फुल इक्वेशन इसकी यही बनती है फिर आपके पास इसमें आप देखें अगर आप जैसा ये थोरियम है थोरियम नाइन्टी वन का नीचे तब्दीली हो रही है ठीक है प्रोटेक्टिनियम के अंदर जब जा रहा है तो सिर्फ नीचे नाइन्टी वन में तब्दीली आ रही है नाइन्टी से नाइन्टी वन में तो ये भी नेगेटिव बीटा पार्टिकल निकल रहा है एंड सो वन आगे उनके दो चार एग्जाम्पल्स लिखी हुई है एम सी क्यू के हवाले से वो फाइल में आप पढ़ लीजिएगा फिर आपके पास आ गया हाफ लाइफ हाफ लाइफ में मैं बता चुका हूँ सारी बातें असल चीज़ पढ़ने वाली है या समझने वाली है वह एक तो रेट ऑफ रेडियो एक्टिविटी होता है वो यही होता है कि आपका जो रेट ऑफ वो प्रोपोर्शनल होता है ठीक है प्लस अगर आपने यहां पर इसमें एक आएगा आ, दिस ये activity, ये आपको पता होनी चाहिए डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी एक्टिविटी होता है ये एक्टिविटी n के होती है इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं के ऊपर ठीक है जी

ये दो तो फॉर्मला याद कर लें हाफ लाइफ का जो फॉर्मला होता है टी हाफ इज लॉक थ्री ओवर लेमडा इनके ऊपर नोमरिकल बेस वाले क्वेश्चन आते हैं ये दो तीन फॉर्मुलों को मिला के हम सारे नोमरिकल बेस क्वेश्चन जिनका ताल्लुक हाफ लाइफ से होता है हम सॉल्व कर लेते होते हैं ठीक है अब डिकेट अनडिकेट आइटम्स का जो आ, तादाद की बात जिक्र हम करते हैं ये फॉर्मूला मैंने दोनों आपको पढ़ा दिए हैं ये वाले आपको याद करने इनके ऊपर ये टेबल यहाँ बना हुआ है जो वहाँ टेक्स्ट बुक्स में तो नहीं होता लेकिन यहाँ हम बनवा देते हैं एन टी डेस्ट लेक्चर में कि जब आपकी पहली हाफ लाइफ गुजरेगी तो फ्रैक्शन में वन ओवर टू एटम बाकी बचेंगे वन ओवर टू डिके करेंगे एक और हाफ़ लाइफ गुजरेगी तो वन ओवर टू का आता वन ओवर फोर डिके करेंगे इसको कहते हैं वन ओवर टू की पावर टू अगला वन ओवर ओवर की की पावर पावर उसका बाद four, five, तक हम गए हैं टोटल परसेंटेज में हो, 50 बाकी .25, .125, और side, ये एटम है पहली बार पचास बचा है तो पचास डिके कर गया अगली बार ट्वेंटी डिके कर गया तो टोटल अगली बार मजीद Uh, five, uh, डिके कर गया टू फाइव टॉइट फाइव में करो तो so तो ये दोनों तरफ के करोगे तो एट्टी सेवन पॉइंट अगर जबानी याद कर लो तो ज्यादा बेटर वरना कैलकुलेशन करके में रखो ठीक है तो आराम से हो जाते हैं कोई मसला नहीं है बस ये पूछा जाता है ना कि चार हाफ है जिसका ये एक सवाल है आपके पास जना बत्तीस सौ टोटल है है तो फिफ्टीन ओवर सिक्सटीन आइटम कितनी देर के बाद बचेंगे और तो सिक्सटीन का मतलब है टू पावर फोर का जिक्र कर रहा है ठीक है टू पावर फोर का मतलब होता है ओवर टू पावर फोर ओवर पावर चार हाफ लाइफें गुजर गई हैं अब वो हमें क्या कहता है कि चालीस साल आपकी हाफ लाइफ है लेट्स सपोज ठीक है जी मैं वैसे बना रहा हूँ मैं ये वाला सवाल नहीं पढ़ रहा मैं वैसे बना रहा हूँ तो कितने साल के बाद ये जनाब फिफ्टीन ओवर सिक्सटीन टिक कर जाएगा तो भाई चालीस को चार से मल्टीप्लाई कर दो वो एक साल आ जाएंगे एंड सो ऑन इस तरह से हम जवाब निकाल सकते हैं मुख्य किस्म के एनीवे anyway, वे ये सवाल बने हुए हैं इसके अंदर ये आप देख लीजिएगा आपकी ज़रा प्रैक्टिस हो जाएगी फिर आपके पास जो चीज़ें आती हैं वो रेडिएशन एक्सपोजर से मुतक हैं वो फिर आखिर का अगला का लेक्चर का हिस्सा है अब हम वापस बुक की तरफ आते हैं जी कोई मसला तो नहीं है जी ये, ये आपके न्यूक्लियर रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्शन जब भी होगा इसका मतलब क्या होता है एक प्रोसेस होता है जिसमें आपका न्यूक्लियस में चेंज जा आ जाए ये बमेंट के जरिए ही आते हैं न्यूट्रॉन की बमेंट हो सकती है अल्फा पार्टिकल की हो सकती है वगैरह या बीटा पार्टिकल की भी हो सकती है लेकिन ज्यादातर अल्फा पार्टिकल और न्यूट्रॉन की बमेंट होती है या दो न्यूक्न प्रोटोन की भी हो सकती है बमेंट ठीक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस एनर्जी मोमेंटम मोमेंटम ये सारे लॉफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्न ये सारे लॉ यहाँ एप्लीकेबल होते हैं ठीक है बाकी इनके प्रूव करने की जरूरत नहीं है बस आपको पता होना चाहिए अब एक चीज बड़ी मजेदार किस्म की अगर आपको मैथ डिफेक्ट पता लग जाए या मैथ एटॉमिक मैथ स्केल में पता लग जाए और आपसे कहा जाए इसकी एनर्जी निकालो तो आपको ईजल टू एम सी स्केल का फॉर्मोलाने की कतर जरूरत नहीं है आपने सिंपल ये कहना है जो भी मैथ है ना आपके पास जैसा मिसाल के तौर तो पर यहाँ पे एक मैथ गिवन है आपके पास मैं हाईलाइट कर देता हूँ जीरो पॉइंट आपको इसकी एनर्जी चाहिए आपने इस मैथ को नाइन से मल्टीप्लाई करना है बस क्योंकि का मतलब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है तो 931 से 1.12 मेगा आ जाएगा। बस सिंपल सा ये। की याद कर लो ठीक है इसके ऊपर ये, तो ये जी वो रिएक्शन जो डिस्कवर प्रोटोन के अठारह सौ अठारह में डिस्कवर किया था प्रोटॉन और 32 में किया था जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन ये दोनों रिएक्शन नजर आ रहे हैं आपको एक ये एक ये है फिर आता है जी न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन फिशन रिएक्शन ये होता है कि जब एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन किसी यूरनियम 235 के साथ मोबमेंट करे और उसको छोटे न्यूक्लियाई में यानी जिस तरह के बेरियम के में ब्रेक कर दे ये न्यूक्लियर फिशन कहलाता है इसमें तीन दो या तीन न्यूट्रॉन निकलते हैं बाकी एनर्जी एनर्जी रफली इसमें टू मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर निकलती है ठीक है जी यही जो रिएक्शन है ये दो और तरह के इससे भी हो सकते हैं इसमें ये और येडियम भी निकल सकता है जीनॉन और भी निकल सकता है ठीक है इसमें तीन न्यूट्रॉन आ रहे हैं इसमें दो न्यूट्रॉन आ रहे हैं और ये पहले वाले में भी तीन न्यूट्रॉन है एनर्जी लगभग सबके अंदर टू हंड्रेड मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है ठीक है अब इसके अंदर ये है कि आमतौर तो पर यूरेनियम टू थर्टी फाइव यूज होता है या प्लूटोनियम यान यूज होता है ये दोनों फिशनेबल मटीरियल है इसमें एक और चीज़ नोट कीजिएगा कि 235 की तादाद बहुत कम होती है 0.7 सेवन परसेंट नैचुरलियम में बाकी 238 होती है उसको हम कैसे टैकल करते हैं प्रॉब्लम को आगे जाके हम देख लेते हैं लेकिन उससे पहले फिशन चेन रिएक्शन फिशन चेन रिएक्शन ये होता है कि आपका एक न्यूट्रॉन आया एक तीन न्यूट्रॉन आते हैं ना ये तीन न्यूट्रॉन है ये कैपेबल हो सकते हैं अगले तीन न्यूक्लियस के अंदर फिशन ट्रिगर करने के लिए वहां से फिर आपके पास मज़दे न्यूट्रॉन आएंगे अगर आप न्यूट्रॉन की तादाद को कंट्रोल कर लें और अपनी मर्जी से एक टाइम में एक या एक टाइम में दो न्यूट्रॉन्स का मुसलसल रिएक्शन कराएं बाकियों को आप एबजॉर्व करते चले जाएं, तो ये आपका कंट्रोल चीन रिएक्शन बन जाएगा लेकिन अगर आपसे कंट्रोल नहीं करते तो एक रिएक्शन में तीन न्यूट्रॉन आएंगे वो तीन न्यूट्रॉन अगले तीन आइटमों में फेशन कर सकते हैं उससे वो फिर मज़ीद हर एक से तीन तीन नॉ न्यूट्रॉन निकलेंगे वो मजीद नौ एटमो में रिएक्शन कर सकते हैं सो ऑन इस सान फ्रैक्शन रिलीज हो सकती है और ये सारा प्रोसेस है आपके अटोमिक बम तो फिशन रिएक्शन पे बेस करता है हाइड्रोजन बम फ्यूजन रिएक्शन पे बेस करता है ये इसका एम का पॉइंट है

थर्मल रिएक्टर में जो एनर्जी होती है ना वो पॉइंट ज़ीरो थी एलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है और इसमें न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करने के लिए आप या तो हैवी वाटर या ग्रेफाइट की रॉड यूज़ करते हो और कंट्रोल करने के लिए न्यूट्रॉनों को या एब्जॉर्ब करवाने के लिए आप कैडमियम और बेरियम की रॉड यूज़ करते हो फास्ट रिएक्टर में हम यूरेनियम टू को कन्वर्ट करते हैं फिशन एबल प्लूटोनियम के अंदर ठीक है जी तो उसके लिए हम यूँ करते हैं के पहले इसके टू थर्टी एट के साथ बहुत मोमेंट करवाते हैं फ़ास्ट मूविंग न्यूट्रॉन की और बड़ी मज़े की बात टू थर्टी एट फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और टू थर्टी फ़ाइव यूरनियम स्लो मूविंग न्यूट्रॉन के साथ रिएक्शन शो करता है फास्ट के साथ रिएक्शन शो नहीं करता वजह तो उसकी फ़िलहाल कोई सामने नहीं आई लेकिन ये इफेक्ट आपको पता होना चाहिए तो 238 यूरेनियम सबसे पहले नेपटोनियन में जाता है ये नेपटोनियन जो होता है ये डिके करता है और ये चला जाता है आके पास नेपटोनियम uh, से ये प्लूटोनियम में आ जाता है पी यू ये एन यू लिखा हुआ है इसको पी यू कर लीजिएगा ये थोड़ा सा मिस टाइप हुआ है ठीक है और फिर आपके पास प्लूटोनियम जो होता है ये फ्यूशनेबल मटीरियल टू थर्टी फाइव की तरह काम करता है फ्यूजन रिएक्शन जब जो दो छोटे न्यूक् आपस में फ्यूज होते हैं और एक हैवी न्यूक्लियस बना देते हैं इसे फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं सन के अंदर जो रिएक्शन हो रहा है वो फ्यूजन रिएक्शन ही है इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है और इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल काम है यही वजह है कि अभी तक सस्टेन चेन फ्यूजन रिएक्शन नहीं डिस्कवर हुआ लेकिन यह है कि एक प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल का पता लगा जो सन में हो रहा है मुसलसल और सन में तो हमें पता ही टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है अब यहाँ पर उन्होंने ड्यूटोन ड्यूटॉन रिएक्शन की मिसाल दी है ड्यूटॉन ड्यूटोन से मिलता है ये वाला जो रिएक्शन है पहले वाला तो आप देख सकते हैं इसमें एक रिएक्शन में थ्री थ्री और एक में फोर मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है इसी तरह न्यूट्रॉन को टीटियम से मिलाया जाए तो तक पॉइंट सिक्स मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है एनर्जी ये यूँ आप समझ लो कि जो यूरेनियम था ना उसमें टोटल आइटम जो रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं ना न्यूट्रॉन को मिला के वो टू फिफ्टी सिक्स टू थर्टी सिक्स होते हैं टू थर्टी फाइव तो यूरेनियम में होते हैं ना एक न्यूट्रॉन हो गया इसके मुकाबले में जो एनर्जी आती है ना आपके पास वो दो सौ आती है तो दो सौ को अगर आप इससे डिवाइड करें ना तो एनर्जी तकरीबन पॉइंट नाइन समथिंग आएगा यानी एक न्यूक्न न्यूक्लियन के पीछे पॉइंट नाइन मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आ रही है अब यहाँ देखें जरा ये टी ट्यू टी वाला जो रिएक्शन है इसमें अगर आप देखोगे तो टोटल आपके पीछे नजर आ रहे हैं पांच पार्टिकल दो न्यूट्रॉन के अंदर है और तीन टी के अंदर है तो अगर आप सत्रह छह या छ तक अठारह बन जाता है इसको पांच पे डिवाइड करें तो ये जो अब वाका तकरीबन थ्री पॉइंट सिक्स या फाइव के अक्रॉस आता है यानी यहाँ एनर्जी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है फ्यूजन में फिशन के मुकाबले में फिशन में तो एक एनर्जी है तो इसमें एनर्जी 300 टाइम और 600 तो गुना ज़्यादा होती है लेकिन अभी तक कंट्रोल चेन रिएक्शन फ्यूजन का नहीं आया फ्यूजन स्टार्ट करने के लिए या तो न्यूक्लियर का एक्सेलरेटर का काम से मदद ली जाती है या लेजर के जरिए हाई टेम्परेचर पैदा किया जाता है ठीक है जी अच्छा उसके बाद आपके पास ये रिएक्शन हैं जैसा ये सन के अंदर रिएक्शन है सन का जो टेम्परेचर है सरफेस uh, का वो सिक्स थाउजेंड डिग्री याद रखिए और कोर मिलियन डिग्री सेल्सियस है कोर का तो ये वो रिएक्शन है जो हो रहा है इसमें आप देख सकते हो टोटल इस रिएक्शन के अंदर चार प्रोटॉन यूज होते हैं एट ए टाइम ठीक है जी और वो रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं वैसे छह होते हैं दो हमें आँखों में वापस मिल जाती हैं चार रिएक्शन में इस्तेमाल हो जाते हैं और दो वापस मिलते हैं टोटल छह होते हैं लेकिन रिएक्शन में चार हिस्सा लेते हैं क्योंकि तो दो वापस मिल जाते हैं और ऑन एन एवरेज इसमें जो एनर्जी आती है ना वो ट्वेंटी फाइव पॉइंट सेवन मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और पर न्यूक्लियॉन सिक्स पॉइंट फोर मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आती है इसकी ये याद रखिएगा अच्छा अब जो चीज़ शुरू हो रही है ना रेडिएशन एक्सपोजर वाला ये है कि हमारे पास जो मुसलसल रेडिएशन फाल कर रही है ये उनके जो हैज़र्ट्स होते हैं उनको हम किस तरह मैया करते हैं इसमें जो ज़्यादातर जो एम सी यू है ना पहले मैं उनका डिस्कस कर लेता हूँ वो इनके यूनिट्स के जरिए आते हैं रेडिएशन हर वक्त हम पे फॉल कर रही है हर वक्त कॉस्मिक रेडिएशन बैकग्राउंड रेडिएशन को कहते हैं जो अल्ट्रा वोलट रेडिएशन सन से आ रही हैं वो कॉस्मिक रेडिएशन कहलाती लाती हैं गैगर मोलर काउंटर को अगर हम ऑन करें और उसके पास कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट ना रखा हो फिर भी वो रीडिंग दिखा रहा होता है तो वो जो जो दिखाता है उसको बैकग्राउंड या कॉस्मिक रेडिएशन कहते हैं इसकी वजह बहुत सारी हैं कॉस्मिक रेडिएशन की असल वजह है ओजोन लेयर का तबाह होना जो सी एफ सी क्लोरोफ्लोरोबन की वजह से हो गई भी है और इस डिप्रीशन की वजह से आपकी ये कॉस्मिक रेडिएशन आपके एटमोसफियर में एंटर हो रही है स्किन और आई की डिजीज का बायस बनती है ठीक है आगे चलें ज़रा रेडॉन गैस बिल्डिंग से निकलती है ये भी रेडिएशन एक्सपोजर का एक सोर्स होता है मेडिकल में हम एक्सरे यूज़ करते हैं वो भी रेडिएशन का सोर्स है रेडियो एक्टिव वेस्टेज इसको डंप करना बड़ा मसला काम होता है इसको पता है कहाँ डंप किया जाता है ओल्ड ये जो साल्ट माइंस जो पुरानी साल्ट माइंस होती है ना वहाँ पे रेडिएशन एक्सपोजर को डंप किया जाता है ज़्यादातर याद रखिएगा अच्छा जी अब ये है कि जो हमारे पास हम खुराक के ज़रिए अपने अंदर रेडियो सोप लेके रहे हैं जैसा है कार्बन फोर्टीन और कार्बन फोर्टीन हमारी खुराक का एक लाजमी हिस्सा है और जब इंसान की डेथ होती है तो कार्बन फोटीन का जो डिके का प्रोसेस अपनी जगह पर रुक जाता है तो उस डिके प्रोसेस को जहाँ वो रुका होता है आने वाले वक्तों में उसकी कार्बन डेटिंग मालूम की जा सकती है जिससे अंदाज़ा हो जाता है कि ये शख्स जब मरने के बाद कई सालों बाद जब दरियाफ्त होगा उसका फोसल्स तो उनकी हम वो निकाल सकते हैं डेट कि कब ये इस दुनिया पर लिविंग हालत anyway, में थे एनी वे इसमें जो मजीद पढ़ने वाली बातें हैं आपके पास जो रेडिएशन होती है ये yeah, इनका जो हम नापते हैं अब डोज वो इससे कहते हैं एबजॉर्ब डोज अब ये जो चीज़ है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है अब जो आ रही है वैसे तो सारी इंपॉर्टेंट लेकिन इनमें नोमरिकल प्रॉब्लम आते हैं एब्जॉर्ब डोज डी से जो करते हैं एनर्जी पर यूनिट मैथ कहते हैं ये इनकी डेफिनेशन आपको पढ़नी है ये फार्मूला है जवल पर किलोग्राम इसका यूनिट है जिसे ग्रे कहते हैं ठीक है ग्रे इसका जो पुराना यूनिट है वो रेडिएशन एब्जॉर्ब डोज का वो रेड है ठीक है जी और रॉन्जन एक जो रेड होता है आपके या पास होते हैं। ये याद होना चाहिए ये होता है। आपकी एब्जॉर्ब डोज और आर बी फैक्टर का आर बी रिलेटिव बायोलॉजिकल भी डोज हमारी बॉडी पे कितना असर डालेगी ये कॉन्स्टेंट होता है हमें दिया जाता है आमतौर पर तो ये फॉर्मुला और इसका यूनिट आना चाहिए आपको इसका फॉर्म हाँ यूनिट जो होता है वो ग्रे इन टू आर बी फैक्टर के बराबर होता है इसको सीवर्ट कहते हैं एस आई यूनिट डोज का या yeah, डोज का इक्वलेंट डोज का यूनिट इक्वलेंट डोज का यूनिट आपके पास सीवल्ट एस आई यूनिट एबजॉर्ब डोज का ग्रे है एस आई यूनिट छोटा यूनिट रेडियन रेड है ठीक है और यहाँ छोटा यूनिट आपके पास रैम है ये रोंजन इक्वलेंट इन मैन इसे बोलते हैं रैम ये रैम है छोटा आपका यूनिट अब ये रैम में एक सीवर्ड के अंदर सौ रैम होते हैं या एक रैम में जीरो वन होते हैं यहाँ पे एमसी क्यू आ सकता है बाकी जो बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन है ये हैं उनके अंदर ये वैल्यूज है ये एमसी क्यू की लाइनें लिखी हैं सारी यहां से यहां तक ये यह सब एम सी क्यू की लाइनें हैं सेम एब्जॉर्व डोज का इफेक्ट के लिहाज से देखा जाए तो आपके जो पार्टिकल हैं अल्फा पार्टिकल 20 टाइम्स ज्यादा डेंजरस होते हैं एक्सरे के मुकाबले में इसी तरह पार्ट ऑफ बॉडी पे भी ये डिपेंड करता है जैसा न्यूट्रॉन आइस के लिए ज्यादा डैमेजिंग है देन अदर ऑफ द बॉडी दूसरा पॉइंट लिखा है इसी तरह तीसरा पॉइंट है अगर आपकी ये पार्टिकल एक रेडिएशन बाहर से आ रही है एक आप पार्टिकल को स्वेलो कर लेते हैं तो ज्यादा खतरनाक होती है ठीक है रेडिएशन लेवल दो तरह के होते हैं एक लो लेवल और एक हाई लेवल

आमतौर तो पर टू मिली सेवर्ड पर ईयर जो हमें मुसलसल रेडिएशन मिलती है बैकग्राउंड सोर्सेज से या बैकग्राउंड रेडिएशन की शक्ल में तो टू मिली सेवर्ड कोई मसला नहीं हमारे लिए सेफ लिमिट आती है अगर थ्री सेवर्ड की डोज आ जाती है तो ये स्किन बर्न पैदा कर सकती है थ्री सेवर्ड ठीक है जी स्किन बर्न पैदा कर सकती है जो वर्कर न्यूक्लियर फैसिलिटी में काम करते हैं उनके लिए जो डोज होती है नॉर्मल जो होती है वो वन मिलीडर की जाती है न्यूक्लियर फैसिलिटी के अंदर इसकी बात आपके पास बायोलॉजिकल और मेडिकल यूजेस हैं रेडियो के पेशवा यूज ये आपके बुक की हैं इनको आपने खुद ही पढ़ लेना है इनमें से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है न, वो ये आखिर वाले नजर आ रहे हैं आपको जिस तरह को वर्ड है कैंसर की ट्रीटमेंट में आता है थायरइड के आ, की रीडिंग में आयोडीन 131 होता है यूज

ये स्ट्रॉ न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन को होल्ड करने का बायस बनती है न्यूक्लियस के अंदर वीक न्यूक्लियर फोर्स कोर ऑफ द न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करती है है यानी ये जो फोर्स ना ये अगर माइनस फोर्टीन मीटर के दायरे में काम करती है न्यूक्लियस के अंदर तो उसके भी अंदर आपकी टेन पावर माइनस फिफ्टीन मीटर के अंदर वीक न्यूक्लियर फोर्स होती है और ये यही वो फोर्स है वीक न्यूक्लियर फोर्स जो बीटा पार्टिकल के डीके के दौरान एक्टिव होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात हो गई वीक न्यूक्लियर और ये ग्रेविटेशनल फोर्स अब इसमें एक चीज़ आ जाती है रेंज रेंज के लिहाज से देखा जाए तो ये जो आपकी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है और वीक न्यूक्लियर फोर्स दोनों की रेंज शॉर्ट है जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रो की रेंज लार्ज होती है ये बात मैंने आपको बहुत पहले चैप्टर ट्वेल्व में पढ़ाई थी ये लॉन्ग रेंज होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स लेकिन अगर खाली ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिकल फोर्स का कंपेरिजन किया जाए या इलेक्ट्रो मैगनेटिक का आपस में न्यूक्लियर फोर्स को छोड़कर तो उनमें सबसे ज़्यादा रेंज फिर इलेक्ट्रो मैग्नेटिक की नहीं है ग्रेविटेशनल की है इलेक्ट्रो मैगनेटिकार कम रेंज की होती है ठीक है फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत ही बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर लोगों को समझ नहीं आते है। भाई बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं जिससे मैटर बने के मिलके बना है एलिमेंट्री पार्टिकल बेसिक पार्टिकल को कहते हैं जिनसे आगे कोई पार्टिकल नहीं बन सकता इनसे पार्टिकल बन सकते हैं लेकिन एलिमेंट्री पार्टिकल खुद किसी से मिलकर नहीं बनते एलिमेंट्री पार्टिकल के लिहाज से आपके पास दो ही ग्रुप हैं ठीक है एक फोटॉन्स का और एक लेप्टॉन्स का हेड्रॉन एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं हैड्रॉन खुद एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं है

और इनके मुताबिक टोटल आपके पास कॉक छे होते हैं छे कॉक्स हैं ठीक है कॉक जब आपस में मिलते हैं ना तो ये आपके बना देते हैं मेजोन और हेड्रॉन बनाते हैं जिस तरह आप पेयर ऑफ कॉक एंड एंटी कॉक मिलकर एक मेजोन बनाता है और तीन कॉक्स मिलकर बरियॉन बनाते हैं यानी हेड्रॉन बनाते हैं ठीक है टोटल सिक्स कॉक हैं एक अप है एक डाउन है एक स्ट्रेंज है एक चार में एक बॉटम है एक टॉप है एक इन सब के चार्ज फ्रैक्शन में होते हैं लेकिन ये कभी भी अलग अलग एग्जिस्ट नहीं कर सकते ये कॉक्स ठीक है अच्छा कॉक को मजीद आगे जब हम चलते हैं तो इनके जो चार्जेस हैं आपको याद करने हैं जितने भी आपके सीधे कॉक हैं यानी कि टॉप वाला अप वाला और चार इन तीनों का जो चार्ज होता है याद रखिएगा ये आपके पास आ जाता है टू बाई थ्री के साथ और जो डाउन वाला होते हैं उनको माइनस वन बाई थ्री के साथ चार्ज आ जाता है और इनके जो एंटी कोक होते हैं उनके ऊपर ये जिससे अप का एंटी कोक आ गया ये डाउन का ये स्ट्रेंज का ये चार का ये टॉप का ये बॉटम का इनका चार्ज असर कॉक के चार्ज के उलट होता है अच्छा कॉक के हवाले से याद रखिएगा कि दो अप और एक डाउन दो अप और एक डाउन मिलेंगे तो बनाएंगे प्रोटोन और दो डाउन एक अप होगा तो न्यूट्रॉन बनाते हैं फिर एक इस तरह का टेबल आपकी बुक में बने हुए हैं इन टेबल्स के मुताबिक जो सोडियम है ना इसकी हाफ लाइफ पंद्रह घंटे है ये स्टेप्स याद करने हैं आयरन की फोटी फाइव डेज है और टैक्टीनियम की सिक्स है आयोडीन की एट डेज है आयोडीन वन टू फाइव सिक्सटी डेज़ है और ये आयोडीन वन टू फाइव इस्तेमाल होता है प्लाज्मा वॉल्यूम के स्टडी में आयोडीन वन थर्टी वन किडनी टेस्ट में यूज़ होता है थायराइड का अपरेट अपटेक अपटेक अगर स्कैन करना है तो टैक्टीनियम यूज़ होता है आयरन को चेक करना हो तो आपके पास इन प्लाज्मा आयरन 59 आप यूज़ करते हो और प्लाज्मा वॉल्यूम चेक करना हो तो सोडियम ट्वेंटी फोर यूज होती है तो ये वो चीज़ें हैं जो आप लोगों ने यहाँ पर आ, इनको पढ़ना होता है ठीक है जी तो ये आपका टोटल इसका काम था आपका चैप्टर का यहाँ तक ये बातें मुकम्मल होती हैं अब जरा थोड़ा सा यूं करो अपना जो ये वाले नोट से इस तरफ जाओ जी ये सारी बातें जो आपके आ, फाइल शेयर हुई हुई है अब इसमें यह है कि आपके पास देख सकते हो इक्विलेंट जो डोज है और जिस तरह की चीजें ये सारी की सारी हमने की हुई है ठीक है इस तरह ये है ये हम पढ़ चुके हैं डोज ये सारा मैंने पढ़ा दिया इसके अंदर से ये आपने देख चुके हैं फिर इसके अंदर कुछ एम सी क्यूज आ जाएंगे फाइल के अंदर वो आप देख लेंगे खुद से फोर्सेस का जिक्र है वो भी हम कर लिया हमने उनका कंपैरिजन बिल्डिंग ब्लॉक और एलिमेंट्स भी कर लिया हमने अब ये बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस ये भी सारा हो गया ठीक है एब्जॉर्ब डोज उनके यूनिट्स हाँ ये कुछ मालूम है इफेक्ट्स ऑफ डोजेस ये आपके पास बुक में आपकी लिखा हुआ है कि अगर आपकी क्या नाम है जो डोज है वो अगर बन जाती है फोर सेवन अब फोर सेवन को लिखा हुआ है फोर जीरो 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 फिर तीन छह जीरो के साथ माइक्रो सेवन ये फोर्टी लैख बन जाती है तो इससे 60 60 लोग एक्सपोज़ होंगे इसके इस, इतनी हैवी रेडिएशन के सामने में से 60 की डेथ वाकई हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी डोज और जीरो के साथ यानी से से माइक्रो सेवर्ट में इसका लिखा है इसको मैं में करूं ना, के अंदर, तो ये टू पॉइंट फाइव से थ्री पॉइंट जीरो बनता है तो ये तकरीबन सर्टिलिटी थी मतलब मर्दान की या आ, की जो सलाहियत है ना वो दो साल के लिए इसमें बैन हो जाती है ख़त्म हो जाती है और 1.5 से लेकर टू सेवल्ड तक ये लोअर लेवल रेडिएशन है ये टेम्परेली आपकी फर्टिलिटी को ख़त्म कर देती है और इसी तरह जो वन सेवल की जो डोज होती है ना ये रेडिएशन सिकनेस पैदा कर देती है इंसान के अंदर अगर हम टेलीविजन को एक साल तक देखें ना मुसलसल तो टेन मिली सेवर्ड की रेडिएशन डोज हम एब्जॉर्व करते हैं इसी तरह जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन से डोज हम एबजॉर्व करते हैं वो टेन मिली सेवड होती है थर्टी मिली सेवट आती है अगर आप लोग वॉच पहनते हैं ल्यूमिनस वॉच को टू हंड्रेड मिली सेवड आती है एक्सरे लेने से और अगर आप रहती हैं क्या नाम है ईंटों वाले घर में तो सेवन फिफ्टी मिली सेवट डोज एक साल में आपको मिल जाती है एंड सो ऑन ये सारी की सारी बातें आपकी बुक में जो टेबल्स बने हुए हैं ना उनके अंदर ये लिखी हुई है वहाँ से आपने याद करनी है रेडियन एक्सपोजर और इनके यूज सारा कार्बन डिटेक्टर रेडियोग्राफ ये सोडियम आयरन टियम आयोडीन ये सारा इनका यूज और उसके बाद अल्फा बीटा की प्रॉपर्टीज ये सब चीज़ें हैं जो मैं करा चुका हूँ हाँ जी ये सब चीज़ें हो गई हैं जी अलहमदिल्ला आपका चैप्टर नंबर ट्वेंटी वन उससे मुतल है मुकम्मल हुए अब आप यूँ देखने किसका जो टेस्ट है वो जैसा मैं आपको कहा था मैंने कि वो भी मैं आपको ज़रा विजिट करा देता हूँ चैप्टर नंबर ट्वेंटी कुछ सवाल हम देख लेते हैं इसमें यह है कि जी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की अगर हाफ लाइफ महीने है तो थ्री फोर्थ कितनी देर में डिके करेगा थ्री फोर्थ का मतलब क्या होता है नीचे चार है दो की पावर टू करेंगे दो हाफ लाइफ दो हाफ लाइफ का मतलब आठ आठ सोलह महीने बस ये देखें सोलह आंसर है इसका सिक्सटीन मंथ लिखा हुआ है तो इस तरह हमने जवाब निकालना होता आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी किसने डिस्कवर की थी ये जूलियट और आरीनी क्यूरी यानी आरीनी क्यूली असर में मदाम क्यूरी की बेटी का नाम है ठीक है उसने ये की। फ्रेंच साइंटिस्ट है ये सारे फिर आप देखें जब एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट डीके करता है एमिटिंग एक अल्फा पार्टिकल निकला एक बीटा पार्टिकल निकला फिर एक बीटा पार्टिकल आया ठीक है जी पॉजिटिव बीटा और एक ग्यारह पार्टिकल आया तो क्या होगा आप देखें कुछ नहीं लिखा तो बीटा के तो वो नीचे का एक इजाफा हो जाएगा पॉजिटिव बीटा पार्टिकल निकलेगा वो इजाफा वापस हो जाएगा यानी चार और दो ई की कमी पैदा होगी ऊपर नीचे गेमो पे कोई फर्क नहीं पड़ता तो डेल्टा जो है उसका एंड सो ऑन अब इसी तरह के सवाल आते हैं सारे बाकी ये कुछ

अब देख रहे हैं ये एमसीक्यू है आपके फिर इसी तरह से अब अब न्यू, न्यूट्रॉन डिके करता है द न्यूट्रॉन डिके विद इन द न्यूक्लियस प्रोड्यूसिंग ये वो आ गया जो न्यूट्रॉन इसमें जाएगा प्रोटॉन में जाएगा बीटा पार्टिकल आएगा और न्यूट्रिनो आएगा एक एंटी न्यूट्रिनो ये लिखा हुआ है एंड सो ऑन अब आप बाकी पेपर इसका देख लीजिएगा कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे जी बेटा